चिल्ड्रेन टूडे वी विल डू लेट टेस्ट सो वॉट इज लेट लर्नर्स अचीवमेंट टेस्ट ये थर्ड क्लास से शुरू होता है और एक ही सेट होता है जिसमें पेपर्स होते पेपर होते हैं एक घंटे का पेपर थर्ड क्लास के लिए जिसके अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश एंड मैथ्स सो आज हम टेन टेन क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के और इंग्लिश के तो मैं आपको करके बताती हूँ इसमें इस तरह का क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको तो आपने ऑप्शन को या तो आपने टिक करना है या फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया उसके अंदर आंसर लिखना होता है तो आज मैं टिक करके बताऊंगी आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज द काउ सेज डैश काउ की साउंड क्या होती है बाक्स मोमो क्वैक क्वैक और रोल सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट सो आई अ टिक ऑन बी सेकेंड इज द चिल्ड्रेन Dash with the doll. The children are playing, were playing, have playing, is playing. So correct answer is A part. So I put a tick on A part. Next is the players dash a bat. The players have a bat. My sisters dash shopping on the weekend. My sisters do shopping on the weekend. The clever students solve the questions. Easily. Manoj is carrying an umbrella because it is raining. The ship is dash on the sea. The ship is sailing on the sea. A group of flowers is called bunch. Raju is dash his work happily. Raju is

नेक्स्ट इज देर आर डैश मंथ्स इन ए ईयर एक महीने में कितने मंथ्स होते हैं सॉरी एक uh, uh, साल में कितने महीने होते हैं एक साल में बारह महीने होते हैं विच मंथ कम्स आफ्टर डिसम्बर आफ्टर डिसम्बर द मंथ इज जनवरी देन कंटिन्यू द पैटर्न पैटर्न देखना है इसमें फाइव टेन फिफ्टीन फाइव फाइव ये मूव कर रहा है फाइव टेन फिफ्टीन तो नेक्स्ट नंबर विल बी ट्वेंटी सी so b part will be the answer there are dash days in a week seven days in a week we have to add 8 plus 5 plus 7 so 8 plus 5 is 13 13 plus 7 is 20 20 is the answer dash plus 7 is 31 अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 31 में से 7 को माइनस करेंगे 31 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 24 फोर देन